उन बिगनर्स के लिए मैं आपको स्टॉक मार्केट के क्या बताने वाला हूं, कुछ नियम कहां चलाएं पैसा, तो जरा समझो। मैंने पहले भी आपसे डिस्कस किया है, अगर आप बिगनर हो, पहली बार ही अगर आप स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो, तो एक बात समझ लेना, आप जितना भी पैसा कमाते हो उसका 5-10% ही आपको शेयर मार्केट में रिस्क उठाना है। तो मैं आपको ये नहीं कह रहा हूं कि आपके पास बहुत सारा पैसा है तो आप सारा का सारा लगा दो, नहीं, आपके पास बहुत सारा पैसा है सारा का सारा नहीं लगाने की जरूरत है। मतलब थोड़ा बहुत भी पैसा, जैसे 1000 रुपये भी है तो मैं बोलूँगा 100 रुपये मैं इन्वेस्ट करूँगा, 10%, बस इतनी सी रूल बना लो अपनी जिंदगी की। आपके पॉकेट में जितना पैसा है सोच लेना उसका 10% मेरे को शेयर मार्केट में डालना है, वो भी स्टडी करके। तो पहला रूल क्या है, डोंट वॉन्ट टू पुट योर होल मनी, नहीं, मैं इन्वेस्ट करूंगा 5-10% दैट इज ऑफ माई इनकम, जितना मेरे पास पैसा है उसको 5-10% ही मैं डालूंगा, पहला टिप, ठीक है, ज्यादा रिस्क नहीं उठाएंगे। दूसरा टिप क्या है, इन्वेस्ट करूंगा डिफरेंट कंपनीज में, ऐसा नहीं जो पैसा इकट्ठा हुआ तो मैंने एक ही कंपनी में सारा डाल दिया। कल को मान लो आपने पैसा इकट्ठा किया 10,000 रुपये टोटल हो, तो 10,000 रुपये टोटल, अच्छा अरविंद सर ने बताया था हाँ हीरो मोटोकॉर्प बहुत अच्छी है, अरे हीरो मोटोकॉर्प के 2 शेयर भी नहीं आएंगे, बेटर है उन 10,000 को आप डिवाइड करो, 5 कंपनी सेलेक्ट करो, 5 कंपनी में 10,000 रुपये डालो आप। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं अगर मेरे पास मान लो कि मैंने इकट्ठे किए 6 महीने में 10,000 रुपये, तो मैं ये 6 महीने में 10,000 रुपये, ऐसा नहीं कि मैं 10 के 10,000 रुपये एक ही कंपनी में डाल दूंगा, कभी नहीं करूंगा मैं। अगर आपके पास 10,000 रुपये हैं तो आप उसको इन्वेस्ट करने के, आप क्या करने हैं, एटलीस्ट 4 या 5 कंपनी में अपने 10,000 रुपये डालो। उसमें से भी मैं क्या करता, सबसे पहले कोई ब्लू चिप वाला देखता कि जो मोस्ट एस्टेब्लिश कंपनी है उसमें डालू, जो काफ़ी समय से है, समझ रहे हो। तो मैं कोशिश करता कि मैं एक शेयर जो है किसका खरीदता, मैं एक शेयर इसका खरीदता, हिंदुस्तान यूनिलीवर का, HU का, 2500-2300 रुपये का एक शेयर आता है, बट ये रहा ब्लू चिप कंपनी है, बहुत ही सेफ है आपके आपके लिए, बहुत सेफ है, या रिलायंस का खरीद लेता, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज की बात कर रहा हूँ, मुकेश अंबानी वाली, और भी है, इंफोसिस में ले लेता, TCS में ले लेता, ये मेरी ब्लू चिप, एक शेयर में उसका खरीद लेता, TCS का शेयर भी बहुत महंगा है बट ये ब्लू चिप कंपनी। फिर मैं क्या करता, इसके अलावा मैं क्या करता, बैंकिंग सेक्टर में लेता, कुछ बैंकिंग सेक्टर के शेयर ले लेता, ICICI कंपनी में ले लिए, ठीक है, या फिर HDFC में ले लिए, या फिर SBI में ले लिए, और भी हैं जो आपको अच्छी लगती हो, आपके घर में सबके अकाउंट किस में है जरा पता कर लो, उनमें आप ले सकते हो। ऐसे करके मैं अपने ना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करता, मैं अपने 10,000 रुपये एक साथ किसी कंपनी में नहीं लगाता। दिस इज रूल नंबर 2, याद रखोगे कि आपके पास जितना भी पैसा है उसको आप डाइवर्सिफाई करो, एक साथ एक ही कंपनी में मत लगाओ। तीसरा, कंपनीज जो कि रेपुटेटेड है, जिनकी हिस्ट्री बहुत अच्छी है, जिनको आप बरसों से जानते हो, बरसों से आपने देखा है, उन कंपनीज में पैसा लगाओ। इंडियन ऑयल कौन नहीं जानता, भारत पेट्रोलियम, इंडियन ऑयल, ये SBI, टाटा मोटर्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज, ONGC, ITC, हिंदुस्तान यूनिलीवर, HP, ये सारी कंपनियां लिस्टेड हैं। ऐसी कंपनी में पैसा लगाओ बेसिकली जो सेफ है, समझ रहे हो, जो बहुत सालों से चलती आ रही है, जो कभी बंद नहीं हो सकती। ये तीसरा नियम। चौथा नियम, इन्वेस्टमेंट ब्लाइंडली कभी मत करो। मेरी बात सुन रहे हो लेकिन पूरी एनालिसिस खुद से भी करना, कि अरविंद सर बोल रहे हैं जो सही है क्या, मैं एक बार देख तो लूं, ऐसा नहीं अरविंद सर ने बोल दिया करना है, नहीं, मेरी बात को भी तोल लो। मैं आपसे कहूंगा कि मेरी राय है, ये मेरी पर्सनल राय है, लेकिन मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूं क्योंकि मैंने भी कमाया है, मैंने पैसा बढ़ता देखा है, तो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, और ये गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। तो आज मैं आपसे सीक्रेट खोल रहा हूं, लेकिन मैं आपसे फिर भी कहूंगा मेरी बातों को आप तोल लेना, जाओ अच्छे से रिसर्च करो, हो सकता है कहीं मुझसे गलती हो गई, अगर आप रिसर्च कर लोगे तो मेरी गलती करेक्ट कर दोगे। तो आप ब्लाइंडली किसी भी ट्रस्ट मत करो, ऐसे किसी ने बोल दिया हाँ हाँ वो शेयर बढ़ेगा, बहुत बर्बाद हुआ, ऐसे करके मत करना, अपनी रिसर्च करना, समझ रहे हो। चौथा, बस ब्लाइंडली डोंट इन्वेस्ट बिकॉज एवरीवन इज इन्वेस्टिंग इन दैट, ऐसा मत करो कि सभी लोग इन्वेस्ट कर रहे हो तो पागलों की तरह तुम भी करोगे, अपनी रिसर्च करो, खत्म करो। मैंने मेरी बताई क्योंकि मेरे पर्सनल उसमें व्यूज हैं, मैंने मेरी बताया मैं HDFC में क्यों इन्वेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद बैंक में अपना अकाउंट होल्ड करता हूँ। SBI में क्यों कर रहा हूँ, मेरे पापा का बरसों से अकाउंट है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे घर पे FMCG के प्रोडक्ट आते हैं, ज़्यादातर उसके FMCG HU के, हिंदुस्तान यूनिलीवर के। ITC में क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं खुद देखता हूँ, अगर कुछ कॉपी लेता हूँ, कुछ पेन लेता हूँ, ठीक है, घर पे ITC का आशीर्वाद का आटा आता है, घर पे आशीर्वाद का आटा आता है, ITC कंपनी का है, कॉपी में लिखते हो ITC की कॉपी है, वो खोल के देखो, समझ रहे हो। घर पे खुदा ना खास्ता किसी को सिगरेट पीने की आदत है तो वो ITC की सिगरेट है,
और आईटीसी के बहुत प्रोडक्ट आते हैं, आईटीसी के खुद के 5-स्टार होटल्स भी हैं, तो आईटीसी और बहुत कुछ आता है, बिस्किट आते हैं आईटीसी के, इसलिए होल्ड करके रखा हूं मैं किसी कहने से होल्ड नहीं कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जल्दी और हड़बड़ी में ना तो खरीदो ना ही बेचो, इतने एक्साइट मत हो ना ही सैड हो, मार्केट में हलचल चलती रहती है। 2008 में डिप आया था, मार्केट एकदम क्रैश हो गया था, ऐसे डिप आपको शायद 2016-17 में डिप आया था, तो घबराओ मत, भागो मत। पता है जब डिप आती है ना, उस टाइम पे जो जो शेयर मार्केट को समझते हैं वो खुश हो रहे होते हैं, आ हा हा अब आ गई अपॉर्चुनिटी। जो रिटेलर्स होते हैं ना हमारे जैसे छोटे लोग, डर जाते हैं कि पैसा निकाल के भागने लगते हैं। मैंने ये नियम तो सीखा है, मैं आपको मेरी पर्सनल राय बताता हूँ। जब येस बैंक के, मैंने सबसे पहले येस बैंक के शेयर खरीदे थे, और आप बिलीव नहीं करोगे, मेरा येस बैंक वाले शेयर मुझे भयंकर घाटा लगा, तो मैं भागा नहीं, मैंने येस बैंक के शेयर बेचे ही नहीं। मैंने कहा मैं घाटे में नहीं बेचूंगा, पापा ने इतना उसे सिखाया है, घाटे में नहीं बेचूंगा। बट एक चीज मैंने समझ ली कि अब येस बैंक में इन्वेस्ट नहीं करूंगा, अभी तो रुक के करूंगा, जो भी होगा आगे देखेंगे। येस बैंक को होल्ड पे रख दिया, मैं घबराया नहीं, ऐसा नहीं मैंने इन्वेस्टमेंट बंद कर दी, नहीं। मैंने क्या सोचा कि मुझे येस बैंक में जितना घाटा हुआ है ना, मैं पकड़ता हूँ, स्टडी करता हूँ, अच्छे अच्छे शेयर पकड़ता हूँ, उनकी रिसर्च की मैंने, उनमें मैंने इन्वेस्टमेंट बढ़ाई। पहली मेरी येस बैंक में इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा थी, मतलब 5-6 शेयर में पैसा लगा था, उसमें येस बैंक में इन्वेस्टमेंट सबसे ज़्यादा थी। मुझे दुख होने लगा कि मैंने इतना पैसा गंवा दिया। बाद में मैंने क्या किया, आज मेरी जितनी इन्वेस्टमेंट है उसका मुश्किल से कोई 2% ही पैसा मैंने येस बैंक में लगा रखा है, पहले 50% था। मतलब पहले जितने मैंने पैसा लगा रखा था उसका 50% पैसा येस बैंक में लगा हुआ था। आज मेरा इतना बड़ा पोर्टफोलियो है कि उसका सिर्फ 2% पैसा ही येस बैंक में लगा हुआ है, तो हमें दुख नहीं होता, क्योंकि जितना मुझे घाटा हो रहा है उससे मैं 5 गुना ज्यादा कमा चुका हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड, लर्न द थिंग्स, डरो मत, भागो मत। रिटेलर्स को भागना नहीं होता है, यहीं से तो बाकी लोग फायदा उठा जाते हैं, हम डर के भाग जाते हैं, ऐसा नहीं करना, तो डरने का नहीं। अब फाइनली आते हैं, अच्छे से रिसर्च कर लो। वॉरेन बफेट कहता है कि सारे प्रिंसिपल में मेन चीज ये है कि अच्छे से कंपनी की रिसर्च कर लो, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, सब कुछ अच्छा है, और सबसे इंपॉर्टेंट है जाओ पहले डीमेट अकाउंट खुलवाओ। बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, डीमेट अकाउंट है नहीं, बड़ी दुख की बात है यार, मैं यही नहीं समझ में आता डीमेट अकाउंट में लगता क्या है। एक अकाउंट पड़ा रहेगा, तुम्हें नहीं करना तो तुम रखो तो सही कम से कम अपने पास। कल को मान लो कि शेयर मार्केट में डिप आती है, कोई आपको कहता है यार वो शेयर बहुत अच्छा है कल को, तो तुम्हारे पास डीमेट अकाउंट ही नहीं है, तुम कहां से करोगे शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट, खुद का डीमेट अकाउंट ही नहीं है। डीमेट अकाउंट इज यू नो इज अ नेसेसरी अकाउंट अगर आप वाकई में फाइनेंशियली ग्रोथ करना चाहते हो, तो जाओ अपने नॉर्मल अकाउंट के साथ डीमेट अकाउंट भी खुलाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला काम आपको यही करना है, कुछ भी शेयर वेयर में जाओ डीमेट अकाउंट खुलाओ, कुछ नहीं लगता। कई जगह पे तो फ्री में खुलता है, कई जगह पे 100 रुपए ले लेगा, कोई 200 रुपए लेगा, 100-200 रुपए में अकाउंट खुलती है तुम्हारी, जिसमें तुम्हें एक फ्रीडम मिलती है कि तुम जाके सीधे शेयर खरीद सकते हो घर पे बैठ के, कहीं जाना ही नहीं है। तुम्हें क्या लगता है मुंबई जाना पड़ेगा क्या शेयर मार्केट में शेयर पैसा लगाने के लिए? नहीं, वो बातें नहीं रही, घर पे बैठ के सारा काम हो जाता है। सो जाओ, सबसे पहला काम तो यही करना है, तुम डीमेट अकाउंट खुलवाओ। डीमेट अकाउंट ही नहीं है, आधे ज्यादा पूरी इंडिया में 4% लोग हैं जिनके डीमेट अकाउंट है,